कल गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक पुस्तक जिस पर भारत का संविधान लिखा हुआ है को जलाते हुए दिख रहा है। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर पुत्र सरमन बाबू निवासी गांव मुबारकपुर सराय थाना सकेट जनपद एटा है, जो कि एक ट्रक चालक है। इस संबंध में थाना सकेट पर मुआसा 7621 धारा 153A भादवी 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971/66C सूचना प्रौद्योगिक संशोधन अधिनियम 2008 पंजीकृत किया गया। उक्त वीडियो में दिख रहे अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु स्वाट टीम तथा थाना स्केट से टीम गठित की गई। आज गुरुवार की देर सांय को घटना से संबंधित अभियुक्त चंद्रशेखर को स्वाट टीम की मदद से थाना सकेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। क्या घटना करी आपने? अपने समाज के विरुद्ध गलत बोला है और संविधान से खिलवाड़ किया है, लेकिन मैंने संविधान नहीं जलाया है, मैंने कूड़े में आग लगाई है। मैं देशवासियों से क्षमा चाहता हूँ, शासन प्रशासन से। मैंने संविधान से छेड़छाड़ जरूर की है, लेकिन आग नहीं लगाई है, कूड़े में ही आग लगाई है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने ऐसा क्यों बोला? सर, कुछ पीने खाने में कुछ हो गया, मानसिकता कमजोरी की वजह से ऐसा हो गया हमारे साथ, इस वजह से हमारे साथ ये हो गया।